तो गाइस मैं कर रही हूँ सिलाई और ये गला बना दिया है मैंने बुकरम में, और ये बना रही हूँ मैं कॉलर। तो मैं कॉलर वाला सूट है, ये किसी का आया हुआ है तो उसको सिल रही हूँ। तो चलिए सिल लेते हैं, जब सिल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे सिला है मैंने। तो गाइस मैंने दोनों मतलब गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, इधर मैंने दाल रखी है, इधर मैंने चावल और ये मैंने जो है आटा बना के रख लिया है, और ये मैंने दाल के लिए धनिया काटा है, सलाद सब कर लिया है, कोई गेस्ट आए हैं उनके लिए खाना मतलब रेडी हो गया है लगभग। तो गाइस मैं बना रही हूँ रोटी, और मैंने सर में मेहंदी लगाई हुई है अभी तो बाद में धुलूँगी। और मैं उधर देखिए प्लेट लग रही है खाने की, प्रियांशी डाल रही है उधर, प्रियांशी खाना बना रही, ओ सॉरी खाना लगा रही है। तो गाइस मेरी प्लेट जो है लग करके हो गए हैं रेडी, आप भी देख सकते हैं पूरा खाना लग करके रेडी हो गया। तो गेस्ट आए हैं, चलिए उनको देते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज जो है 6 बजे नहाई थी शाम को, क्योंकि जो गर्म कपड़े वगैरह हैं उनको रख रही थी सुखा करके, और जो धुलने हैं उनको धो करके सुखा के और कपूर डाल के मैं रख दूँगी उनको। और क्या बोलते हैं, अब मैं काटूंगी हरी सब्जी, जो साग बनाऊंगी वो मैंने रख लिया है। मेरे बाल अभी सूखे नहीं है, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बाल अभी सूखे नहीं है। तो मैंने मतलब हेयर वॉश किया था कल, मैंने मेहंदी लगाई थी, मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता, मैंने कई बार दिखा रखा है। और साग भी मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कई बार मैंने जो है ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आज मैं कट ही करूँगी। अब और मशीन भी मैंने रखी हुई है, मशीन चलाने का मन नहीं होता है क्योंकि मशीन रख लेती हूँ हमेशा पर चलाने का मन नहीं होता। अभी मैं नहाने के बाद थोड़ा सा चाय बनाई थी प्रियांशी ने, तो चाय पी करके और इवनिंग वो जाती हूँ मैं यहीं पे, हमारे यहाँ करीबन 7 बजे का अराउंड जाती हूँ। तो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है अगर जो जल्दी जाते हैं, वैसे 5 बजे भी जा सकती हूँ, तो यहाँ पर जो है फौजी लड़के मतलब भर्ती होने के लिए लड़के ट्रेनिंग करते हैं, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, तो इसी में इस ग्राउंड में ही ट्रेनिंग करते हैं। और क्रिकेट एकेडमी भी है, तो क्रिकेट वाले बच्चे भी जो है यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए जाती हूँ जल्दी। तो वो जाते हैं 7 बजे के अराउंड जाते हैं वो, तो तभी ही उसी के बाद मैं जाती हूँ। तो अभी मैं इवनिंग वॉक करके आई हूँ, चाय पी ली थी मैंने पहले नहाने के बाद, और फिर इवनिंग वॉक गई थी। मशीन मैंने घुमा ली थी इधर की साइड, ये देखिए मशीन मैंने कहाँ रखी हुई है। अभी एक सेकंड मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिएगा इस मशीन मैंने यहाँ पर रख लिया, मैंने यहाँ पर अपना क्लचर भी यहीं रख दिया, तो ये मैंने सिलना था, किसी का आया हुआ है और किसी का क्या, ये 2-2.5 महीने से मेरे पास में रखे हुए हैं और मैं सिल नहीं पा रही हूँ। यही हो रहा है कि सर्दियों में इस टाइम पता नहीं क्या होता है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है आजकल मशीन के लिए। और ये मैंने इधर हरी सब्जी रख दी है ला करके, ये आप देख सकते हैं ये, तो उसको मैं अभी काटूँगी। तो गाइस मैंने उसको काटना है, थोड़ा बहुत देखती हूँ, सिलाई भी करती हूँ क्योंकि नहीं करूँगी। और कल मैंने जो है रजाइयाँ हैं, तो रजाइयाँ जो है आजकल थोड़ा गर्म होने लगा, तो रजाइयों की ज़रूरत नहीं है, तो उनको मैंने जो उनके कवर है उनको धुलना है और उनको सुखा करके पैक करके रखना है। और आज मैंने जो भी हस्बैंड के बच्चों के और मेरे जो फुल स्वेटर हैं और कैप वगैरह हैं उनको धुल करके दोबारा से और कंफर्ट लगा करके मतलब धुल दिया है मैंने, और वो कल सूख जाएंगे तो उनको भी पैक करके रखना है। जो धुल रखे थे पहले उनको धूप दिखा करके ही रखती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, पर मैं जैसे धुले हुए भी रखे हुए हैं तो मैं उनको डायरेक्ट ऐसे नहीं रखती हूँ, धूप लगा के तब रखती हूँ कपूर डाल करके। और जब निकालती हूँ तब भी मैं और एक बार बीच में मैं अगस्त लास्ट सितंबर शुरू में भी धूप दिखाती हूँ कपड़ों को, फिर भी मैं धूप दिखा करके ही निकालूंगी। या किसी किसी को वैसे मेरे कपड़ों में स्मेल नहीं आती है क्योंकि मैं कपूर लगा करके रखती हूँ, तो थोड़ा सा मतलब इतनी सिलन जैसी स्मेल नहीं आती है। तो मैंने कुछ कपड़े तो रख दिए हैं जो मोटे मोटे मतलब जैकेट वगैरह थी जो आजकल नहीं पहने जा रहे हैं क्योंकि मौसम जो है
बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। रात में भी थोड़ा सा गर्म सा होने लगा और ये स्वेटर मैंने, क्योंकि मैं लेट नाइट थी इसलिए पहना है, कल मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था। और ये बहुत बारीक स्वेटर है, जैसे सूट होता है उसी जैसा वो है, वुलन है इसका, बहुत बारीक वाला है। तो इसे मैंने वैसे ही डाला है क्योंकि शाम को नहाई हूँ। तो कभी बोलते हैं कहावत है कि जाती आती ठंड ही लगती है, तो बाल भी धुले थे इसलिए मैंने ये पहन लिया है। वैसे मैं कल मैंने नहीं पहना था, परसों भी नहीं शाम को पहना था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है। इस साल ज़्यादा ही थोड़ा सा गर्म हो रहा है। पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि देहरादून में ऐसा हुआ था कि मई तक भी जैसे थोड़ा सा भी बादल या बारिश लग जा रही थी तो एकदम ठंडा हो जा रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो फरवरी 15 से ही थोड़ा सा मतलब धूप ज़्यादा तेज होने लगी थी और मार्च लगते लगते अभी। वैसे गर्म ही सूट पहन रहे हैं पर स्वेटर नहीं पहन रहे हैं, और हैवी कपड़े मैं रख दूँगी सब पैक कर करके, क्योंकि एकदम फिर होली आ जाएगी, फिर त्यौहार में लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं उनको पहले ही पैक करके, कल मैंने रजाइयों का करना है, उनको कवर निकाल करके धुलना है और उनको सुखा करके पैक करके रख देना है। बस मेरा यही काम है कल, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं, यही कपड़े धुलना, यही तो रोज का काम है हमारा, कुछ न्यू करो तो दिखाओ। तो इसलिए आपकी और मेरी मतलब कई दिन से मैंने आपसे बात भी नहीं की थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज चलिए आज बात कर लेती हूँ। और मुँह पर मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया है, और मैं आजकल कुछ लगा भी नहीं रही हूँ, कुछ नहीं लगा रही हूँ। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी, तो कल मतलब खाली पानी में निकालती हूँ, एक दिन मेहंदी लगा करके खाली पानी में निकालती हूँ, खाली पानी में निकाल करके जो सूख जाता है, तो मैं सरसों का जो तेल होता है उसकी वो चंपी बोलते हैं, मालिश कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे धोती हूँ। तो आज मैंने शाम को धुला था, तो अभी जब सूख जाएगा थोड़ा सा शाइनिंग तब आएगी। वैसे मैं ना मेथी का पानी भी लगाती हूँ, तो मेथी मतलब भिगो करके उसमें कूट के जो मेहंदी बनाती हूँ मैं, तो उसमें भी डालती हूँ। और क्या बोलते हैं, अलसी होती है, अलसी को भी मैं उसमें, अब की बार मैं दिखाऊंगी आपको, अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सुखाया। तो गाइस मैं यहाँ कमरे में ही लेकर के आ गई थी इसको किचन से, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या है। तो ये गाइस मैंने इसको लिया है मेथी और अलसी और ये सरसों, तो इनको मैंने सुखाना है और फिर इसको बारीक से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो मिक्सी में ग्राइंड करके और तब मैंने इसको मतलब दही में या पानी में भिगो करके और बालों में लगाना है। जब मैं पीसूंगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी, कभी लगाऊंगी तब भी शेयर करूंगी। तो ये मतलब जो स्मूथनिंग वगैरह कराते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, क्योंकि मैं मेथी भिगो करके लगाती हूँ, मेथी पीस मतलब भिगो करके उसका पानी भी यूज करती हूँ बालों में। और ये जो मेथी होती है इसको ये फूल जाती है, तो इसको मैं वो खरल जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें बारीक से कर लेती हूँ। पर इस बार मैं सोच रही हूँ इसका ना चूरन बना करके और तब मैं इसको यूज करूँ तो अच्छा रहेगा, या तो दही में, पर दही मेरे को सूट नहीं होती क्योंकि मेरे बालों में जुएँ पड़ जाती हैं, किसी किसी को नहीं होती होगी, तो मेरे को तो भी नहीं होती है। और सरसों, तो सरसों का तेल ऑलरेडी हम लगाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, अलसी तो और भी ज़्यादा अच्छी रहती है बालों के लिए। तो ये मतलब जैसे स्मूथनिंग कराते हैं बालों में, तो मतलब सॉफ्ट करने के लिए या शाइनिंग के लिए कराते हैं, शाइनिंग के लिए कराते हैं स्मूथनिंग, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसी होम रेमेडी से ही स्मूथनिंग करती हूँ। तो ये मैंने इसको कल जो है इसका चूरन बनाना है, चूरन मीन्स पेस्ट, मतलब सॉरी वो ये पीसना है इसको, चूरन सा बनाना है जो पीस करके डब्बी में भर करके रख लूँगी, तब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको बार बार में कूटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधा घंटा पहले भिगो और इसको तुरंत बालों में अप्लाई कर लो। तो मैं इसको जब मैं पीसूँगी तब भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कैसे बनाया मैं, कैसे नहीं। तो ये तीन चीज़ हैं, अलसी, मेथी, सरसों, तो इनको पीस करके मैं डब्बी में रखूँगी और जब लगाऊँगी मैं तब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। एक बार मैं दही के साथ शेयर करूँगी आपके साथ में,
और एक बार पानी में भी भिगो करके, क्योंकि दही में देखती हूँ एक बार मैंने सरसों का जो तेल है उसको मिक्स करके दही में मिक्स करके जो लगाते हैं वो लगाया, तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा जुएं पड़ गई थी सिर में, तो मेरे को शायद सूट नहीं हुआ। तो अब की बार देखती हूँ मैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इससे अलसी से और मेथी से बहुत ज़्यादा शाइनिंग आती है और जी बाल जल्दी से वाइट भी नहीं पड़ते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं, तो गाइस ये रहते हैं मेरे दिन भर के काम, तो कल मैंने इसको बनाना है और तब मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ सब्जी, काट लेती हूँ सब्जी, काट करके इतने वो बॉईल होगी इतने मेरा जो साग बनाऊँगी मैं। तो मैंने कई बार रेसिपी शेयर की हुई है, आज मैं नहीं करूँगी। तो मेरे पास में मतलब मेरी ही क्यारी में थोड़ा सा ये सॉरी राई है, थोड़ी मेथी है और थोड़ी सी मतलब जो पहाड़ी पालक होती है वो वाला है। तो मैं जो है मतलब मैं कई बार शेयर किया था, बार बार मैं अच्छा भी नहीं लगता है तो मैं आज शेयर नहीं करूँगी। तो इसको मैंने बॉईल रख देना है और फिर थोड़ा थोड़ा मशीन चलाने की कोशिश करूँगी मैं, थोड़ा सा भी हो जाएगा क्योंकि मैंने गला और कॉलर ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए ये मैंने परसों बनाए थे और परसों के बाद जो है मैं मशीन नहीं चला पाई। तो ये है कॉलर और ये कपड़े में जो मांड करके बनाते हैं वो कॉलर मैंने बना दिए, अंदर इसके बिक्रम है आप भी देख सकते हैं। और ये गला गोल गला है सूट का, तो ये गला भी मैंने कपड़े में मांड दिया है, कपड़े में जो मंदल सिलाई करते हैं मांडना बोलते हैं उसको, तो कपड़े में इसको कर दिया है मैंने। तो अभी मैं सब्जी काट करके और तब मैं इसको मशीन को चलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे को आलस बहुत आ रहा है आजकल मशीन से, दिन भर काम में थक जाती हूँ क्योंकि आजकल ऐसा ही है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं कुछ देर के बाद, क्योंकि घर के काम में ही सुबह से शाम तक थक जाते हैं, आजकल काम भी ऐसे हो रहे हैं। कल मैंने गेहूँ धुले थे, गेहूँ अभी मतलब मौसम भी ऐसे हो रहा है, रात में ऐसा हो जाता कि बारिश आएगी फिर ऊपर से लाने पड़ते हैं ना, तो ऊपर ही मैं फोल्ड कर करके फोल्ड करती हूँ, जो चादर है मैंने फैलाए हुए हैं जिस पर उसको फोल्ड करके लपेट के रख देती हूँ। पर आजकल जो है मौसम ऐसा हो रहा है तो रात में ऐसा लगता है जैसे कि बारिश आएगी कि कभी भीग जाए, तो उनको नीचे लाना पड़ता है और नीचे लाना पड़ता है और फिर ऊपर ले जाना पड़ता है सुबह में। तो इतनी आफत आ रही है और करीबन 25-26 किलो गेहूँ है, तो उनको ऊपर नीचे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं अकेली तो नहीं ले जा सकती हूँ, तो कल शाम भी इनको बोला था लाने के लिए और आज भी ये लेके आए हैं और सुबह मैं और प्रियांश लेके जाते हैं, तो ये होता है। तो चलिए गाइस सब मैं कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि आजकल दिन भी बड़ा हो रहा है और दिन जो है होली के आसपास ऐसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदासी से हो जाती है, कहीं भी मन नहीं लगता, तो ये वाला हो रहा है। पर दिन भर काम में ही कट जाता है, कुछ पता नहीं पड़ता कब समय निकल गया। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो गाइस देखिए ये जो मैंने मेथी और अलसी और मेरी जो सरसों थी उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, ये ग्राइंड कर लिया और अच्छा सा पेस्ट बना लिया, मतलब ये चूरन पेस्ट बना लिया है, अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो इसको मैं डब्बे में भर करके रख दूंगी अब, और ये वाली मैंने डब्बी ली है। और काम देखिए सब कुछ हो चुका है, सब्जी तो ये मैंने क्यारी से निकाली थी, आप भी बोलोगे रोज़ रोज बताती है क्यारी से निकाली थी, तो ताज़ी सब्जी निकाली है और आटा बना करके रख दिया है। ये घोल जो डालूंगी बेसन ये मैंने इसमें रख लिया है, और साग भी बॉईल हो चुका है, सब काम हो चुका है, किचन बिल्कुल क्लीन है, आटा वगैरह लग चुका है, इसको मैंने घोटने से घोटना है, अभी आपको दिखाती हूँ। ये घोटना है, इससे घोटना भी, इसको वॉश करके इससे घोटना है। ये सब काम मेरा हो चुका है, क्लीन हो चुका है किचन भी, डब्बे में भर देती हूँ इस हेल्प से, मिक्सी में ग्राइंड किया था मैंने इसको। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ पहले। तो गाइस देखिए इस डब्बी को जो है मैंने दबा दबा के भरा है इसमें, क्योंकि मतलब छोटी पड़ रही थी तो मैंने इसी में डाल दिया है, और ये डब्बी कम से कम मेरे को 2-2.5 महीने के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि एक चम्मच भिगोना है इसको, ये तो दही में डालो या इसे खाली पानी में भिगो करके आधा घंटा तब भी कर सकते हैं, आधा घंटा एक घंटा जो भी आप भिगो सकते हैं इसको कर सकते हैं।
तो ये मतलब आपके बालों को मतलब कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लंबे समय तक के लिए काला भी रखेगा। तो मैं इसको रख देती हूँ। तो चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो का यहीं पर कर लेती हूँ एंड। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।